तो हेलो गाइज, तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आया हुआ हूँ अपने खेतों पर। और यहाँ पर खेतों पर मैं आया था रोटी लेकर और पानी लेकर नहीं, तो उस वजह से मैं वहाँ पर अपना वो ब्लॉग को बना नहीं पाया। तो गाइज, अब मैं पहुँच चुका हूँ खेतों पर। मैं अपने दादू जी के लिए रोटी लेकर आया था, क्योंकि मेरे दादा यहाँ पर खेत बना रहे हैं। तो गाइज, यहाँ पर हम बना रहे हैं अपने खेत को, और खेत किसका? अनाज बोए, क्योंकि आने वाला है मार्च अप्रैल में कटाई होगी, तो भैया साल के लिए खाना रखना पड़ता है। तो उसे को बोया हुआ, तो उसमें दे रहे हैं हम पानी। तो गाइस, अभी छोटे थोड़े पड़े हैं, इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो पानी की कमी थी। जाड़ों में सर्दी में पानी दे था, रात से पानी चल रहा, कल से पानी चल रहा था। कल 26 अभी तक हमारा कोई से खेत भरा नहीं है, मतलब कि उनमें से दो खेत भर चुके हैं, बट एक बच रहा है और उसमें अभी पानी चल रहा। तो गाइस, पानी आ रहा थोड़ा सा, रुक रुक के नहीं। और दादा कह रहे हैं कि थोड़ी देर यहाँ पर रुक रहो, फिर मैं जाऊँगा गाइस घर, और फिर अपना थोड़ा सा और करना। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ यार, यहाँ पर ना पानी की इतनी कमी पड़ी यार हम लोगों के लिए ना, मतलब क्या, बस पूछो मत यार, इतनी कम है। ये सरकार है जो पानी का, मतलब कि गांव में भिजवा नहीं सकती यार, यहाँ पर इतनी कमी है पानी की। हम भी पानी ना अपने गाँव में नहीं मिल रहा है, हम दूसरे गाँव से पानी ले रहे हैं। यहाँ पर हमें इतना सा भी पानी नहीं मिला खुद अपने गाँव में खेत भराने के लिए, हम यार दूसरे गाँव से पानी मंगा रहे हैं। यहाँ से कम 6-8 किलोमीटर दूर होगा वो गाँव, और भी ज़्यादा है यार। वहाँ से हमने जहाँ पे पानी मंगाया, वो पानी भी इतना गंदा आ रहा है यार, मतलब कि नहर नेचर से पड़ी भाई। अभी तो हमारा खेत, अभी तो कोई बहुत सारे खेत बचा है, हमारे बहुत सारे किसान भाई यार उनके खेत बचे हैं, किस लिए? सरकार की वजह से यार, वरना हमें यार इतनी वो नहीं उठानी पड़ती। पानी आ रहा कम, अब्बा जी वहाँ जाएंगे और मेरे को रहना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि मैं अपने दादा से बड़े अब्बा जी बोलता हूँ। तो गाइस, इसलिए तो मेरे को रहना पड़ेगा यहाँ पर, और वहाँ पर जाएंगे हमारे दादाजी पानी के कहने के लिए, पानी कमा रहा। तो गाइस, वैसे सरकार को हमारे लिए गांव में पानी भिजवाना चाहिए। हमारे यहाँ पर नहर, वो हुआ नहर यहाँ से बस थोड़ी सी दूर होगी, यहाँ से सिर्फ 1/2 किलोमीटर दूर होगी बस यहाँ से। उस नहर में पानी नहीं आता, सालों से खाली पड़ी है यार। और जिस रास्ते पर मैं आया ना, वहाँ पर पहले नहर थी, बट पानी ना जाने की वजह से उस नहर को भर दिया गया है। बताओ, नहर भर दिया जहाँ के मैं, आपको मेरे दादा बता दें, यहाँ पर नहर थे, यहाँ पर पानी आया करता था, और हमारे नहर के बराबर खेत है। बट आज के टाइम पर हमारे खेत में पानी नहीं है, और भी किसानों के लोगों के, और जहाँ पर यार डैम बांधा वो आती है यार, उस पानी को यहाँ ट्रांसफ़र कर दो गांव में, नहीं वहाँ पर बाढ़ आएगी और यहाँ पर फ़ायदा, वहाँ नुकसान नहीं होगा, यहाँ पर फ़ायदा, वहाँ भी फ़ायदा, यहाँ भी फ़ायदा, समझाओ यार। तो अभी मैं एक बार दिखाने वाला हूँ कितना गंदा पानी आ रहा है यार, तो देखते हैं तुम्हारे लिए। तो गाइस, हम वहाँ भरवा रहे हैं अपने पानी को, तो दिखाते हैं अभी तुम्हारे लिए। तो भाई ये देखो, ओ शिट। तो गाइस देखो, ये है रहा वो गंदा पानी, मतलब इतना गंदा नहीं, बट हमारे लिए काम चलाओ है। कहते हैं ना यार, पानी की कमी, सच में पानी की कमी बहुत बुरी पड़ रही है, अग्नि जो कमी है यार। ये देख लो गाइस, कितना गंदा पानी है सच में। यहाँ से तुम्हें दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ से भर चुका, मैं अभी आगे जाकर दिखाता हूँ तुम्हें, रुको। यहाँ पर मतलब कि गाइस, बस देना चाहिए यार पानी। ये देखो गाइस, यहाँ से तुम देखो पेड़ कितना अच्छा है, बट पानी सच्चा इस, ये अब की बार हमें मिला है, क्योंकि पिछली बार नहीं मिला जब छोटे थे। ये देखो गाइस, और पानी भी इतनी आराम से आ रहा गाइस, पाइप पे पाइप पूरा भी नहीं भरा हुआ, इतनी आराम से पानी आ रहा है गाइस, यहाँ वहाँ से खाली है पूरा पाइप, कितनी आराम से आ रहा, देख रहे हो तुम। ये रहता पानी ना होने की कमी, और इस पूरा गंदा पानी है, रियली इतना गंदा पानी है सच में। तो मैं देख पाइप बहुत खाली पानी आ रहा है इसमें सच में। अरे बहुत आराम से पानी आ रहा, देखो सारा पाइप दबा हुआ है यहाँ से, सारा पाइप दबा हुआ है यार, पूरा पाइप दबा हुआ है, इतना पानी पानी देखो हमारे साथ ऐसा हो रहा। यहाँ से फिर देखो कितनी आराम से पानी आ रहा है यार। तो गाइस देखो ऐसा है हमारे साथ, तो गाइस बहुत आराम से पानी आ रहा है सच में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सच में पानी की। तो गाइस कोई नहीं, हम किसान लोग कहीं ना कहीं से खोद लेंगे पानी, मेहनत करके नहीं, देखो आना तो पानी है। ये देखो तो ये
ये देखा कितना गंदा पानी है, और इसका पानी का पता हो आ कहाँ। हमें इतनी प्रॉब्लम बस इतनी है यार, पानी नहीं है यहाँ पर, मिल नहीं रहा कहीं भी खेतों में नहीं है, तो बट कोशिश करते रहेंगे, लगे रहेंगे पानी को, एक दिन लेकर नहीं जरूर आएंगे गाइस, चाहे वो प्रोटेस्ट करके लेके लाने पड़े, चाहे सरकार बदल के लानी पड़े, बट लाएंगे पानी। तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है, बस तुम्हारा साथ चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में, जो भी भाई किसान भाई है ना, कमेंट करना और लाइक करना वीडियो को, और अपने बताना किस चीज़ की कमी तुम्हारा वहाँ पर। तो भाई इसी के साथ तो मैं अपना ये ब्लॉग ख़त्म करता हूँ, ठीक है ना गाइस।